हरियाणा शक्ति के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि हरियाणा रोडवेज में हरियाणा उदय और गौरव के नाम से भी बहुत सारी बसें थी जिन्होंने हरियाणा में अपनी सेवाएं दी। हरियाणा गौरव की बात की जाए तो इन बसों को 2007 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल किया गया था। इन बसों को आम आदमी की खास बस के रूप में भी जाना जाता था। हरियाणा गौरव की बसें 2007 से चलकर 2018 तक सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि इसके बाद बहुत सारी बसें कंडम हो गई। इन बसों में बहुत सारे ऐसे फीचर थे जो कि आज भी लोग इन बसों की मांग करते हैं। इन बसों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ बहुत ही आरामदायक एडजस्टेबल सीटें थी। इनके साथ ही पंखे लगे हुए थे। एडजस्टेबल सीट, पंखों के साथ साथ पर्दे और अन्य बहुत सारी खूबियाँ थी। इसके साथ ही इस बस को आम आदमी की खास बस कहा जाता था। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो हरियाणा रोडवेज में ऑर्डिनरी बसें, जिन्हें आप लोग हरियाणा शक्ति के नाम से जानते हैं, और सिटी बसों के साथ लग्जरी वोल्वो मर्सिडीज बसें ही आज हरियाणा रोडवेज में हैं और ये बसें अपनी सेवा दे रही हैं। आज की बात की जाए तो हरियाणा रोडवेज में डिलक्स और सेमी डिलक्स बसों की काफ़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है। और अगर लंबे रूटों की बात की जाए तो बहुत सारी सवारियाँ इन बसों की डिमांड करती हैं। और अभी फिलहाल हम सिर्फ सरकार से उम्मीद ही लगा सकते हैं कि हरियाणा रोडवेज में डिलक्स बसों को शामिल किया जाए। और इसी के साथ हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हरियाणा रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसों को भी लाया जाए। और ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि बहुत सारे लोगों को इन बसों के बारे में नहीं पता और HSSC में भी कई क्वेश्चन हरियाणा गौरव और उदय की बसों के बारे में पूछे जाते हैं। और उदय बसों की अगर बात की जाए तो ये बसें CNG पर चलती थी और हरियाणा गौरव की जो बसें हैं इनके बारे में तो मैंने आप सभी को बता ही दिया। इसी के साथ हम सरकार से फिर से निवेदन करते हैं कि हरियाणा रोडवेज में डिलक्स, सेमी डिलक्स और वोल्वो की बसें लाई जाएं ताकि सवारियों की मांग को पूरा किया जा सके और हरियाणा रोडवेज का बेड़ा और मजबूत हो। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में दे सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी से भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी इन बसों के बारे में जान सकें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।